हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना स्टार्ट करते हैं शारंगधर का द्वितीय अध्याय वैशिज्य व्याख्या। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जो औषध सेवन काल है वो जो हमारे औषध यानी जो द्रव्य उसमें रस गुण वीर्य विपाक होते हैं उसके बारे में और ऋतुचर्या के बारे में। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औषध यानी कब करना है हमें गेय पंचविधो। शारंगधर के अकॉर्डिंग पांच होते हैं औषध काल, कौन कौन से? किंचित सूर्य उदय यानी सूर्य उदय हुआ है, कुछ ही सूर्य उदय हुआ है अभी। ठीक है, दिवस भोजन यानी दिन के भोजन के टाइम पे, सयन साय अंत्य भोजन यानी साय के भोजन के बाद मतलब साय के भोजन में, मुहूर्त चपी यानी बार बार, और निशी यानी रात्रि में। ठीक है, ये पांच काल बताए हैं। फिर इन कालों की अब हम डिटेल पढ़ते हैं। तो प्रथम काल में बताया, प्रथम काल यानी क्या बोला था, किंचित सूर्योदय में कब लेनी है? पित्त कफोद्री के विरेक वमनार्थ यानी पित्त बड़ा हुआ है तो विरेचन के लिए, कफ बड़ा हुआ है तो वमन के लिए जो वो औषध प्रथम काल में लेनी है। और लेखनार्थ है, लेखन में तो हमें याद रखना है प्रथम काल में वमन विरेचन और लेखन में। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे पित्त और कफोद्रिके में कब लेनी है, या फिर यूं पूछ सकते हैं वमन और विरेचन के लिए औषध कब लेनी है, या पूरा ही लिख के आ सकता है वमन विरेचन और लेखन के लिए औषध कब लेनी है। तो किंचित सूर्योदय यानी प्रथम काल में। और औषध ग्रहण के जो काल है, चरक के अकॉर्डिंग 10 होते हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 10 हैं, वाग्वट आए अकेला ये पूछे कि वाग्वट के अनुसार तो 11 टिक लगेगा, अगर वो स्पेसिफिक पूछे अष्टांग हृदय तो 10, अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग 11 है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं द्वितीय काल। द्वितीय काल में क्या पढ़ा था हमने, दिवस भोजन यानी दिन के भोजन का टाइमिंग है। ठीक है, तो बोलते हैं वैशिज्य विगुणे अपाने, अपान वायु जो विगुण है यानी हमने ए एस और वी, ए फॉर अपान वायु विगुण है तो भोजनाग्रह खाना खाने से पहले, कौन सा खाना यानी दिन का खाना खाने से पहले लेनी है अपान वायु यानी प्रातः काल के भोजन से पहले लेनी है अपान वायु में। अरुचि हो रही है किसी को तो चित्र भोजन है यानी जो उसको अच्छा लगे रुचिकर लगे वैसा भोजन देना है। समान वायु विगुण है, समान वायु विगुणी तो या फिर अग्निमंद हो तो अग्नि को बढ़ाने के लिए कब देनी है, भोजन मध्य में। व्यान वायु कोपे, व्यान वायु का कोप है तो भोजन अंत है, दिन के भोजन के अंत में लेनी है। और हिक्का आक्षेपक और कंप ये पूछते हैं, हिक्का आक्षेपक कंप में पूर्वम अंत यानी खाना खाने से पहले भी खाना खाने के बाद भी, कौन सा खाना, दिन का, ये दिन के खाने की बात हो रही है सारी। ठीक है, तो हमें जो द्वितीय काल है यानी दिवस भोजन में ये बात याद रखनी, अपान वायु के प्रकोप में, अरुचि में, समान वायु के प्रकोप में, मंदाग्नि में, व्यान वायु का प्रकोप, हिक्का आक्षेप और कंप में। फिर उसके बाद ये जो कोटेशन है, पित्त पंगु कफ पंगु पंगु ये पूछते हैं कि कौन से आचार्य के, तो आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं औषध भक्षण का तृतीय काल। तृतीय काल में यू पी याद रखना है हमें यानी उदान वायु अगर कुपित है और स्वर भंग है पेशेंट को तो क्या करना है, ग्रासे ग्रास अंतरे लेना है। और प्राणे प्रदुष्टे संध्यास्य भुक्तस्य अंत यानी शाम का खाना खाने के बाद प्राणवायु की दृष्टि में यू पी और स्वर भंग जो है तृतीय काल में। अब जो चरक है, चरक का जो प्राण और उदान का इन्होंने इंटरचेंज कर दिया शारंगधर ने, चरक के अकॉर्डिंग प्राण वायु की अगर विगुणता होती है तो ग्रास ग्रासांतर लेते हैं और उदान वायु की विगुणता में साय का खाना खाने के बाद लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दोनों को उल्टा कर दिया और स्वर भंग इन्होंने तृतीय काल में रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद चतुर्थ काल यानी मुहु मुहूर बताया था, तो वो क्या है, तृष्णा में, छर्दी में, हिक्का में, श्वास गरेशु, अगर ये लाइन लिख के आए कि हिक्का श्वास गरेशु यानी विष में, तृष्णा छर्दी में, तो मुंह मुंह आएगा, लेकिन अगर हिक्का के लिए पूछे तो पूर्व मंते भी है और मुंह मुंह दोनों आते हैं। ठीक है, फिर आता है औषध भक्षण का पंचम काल, ऊर्जत्रु विकारेश, ऊर्जत्रुगत रोग के मतलब कोई भी विकार हो, लेखन और ब्रीहण के लिए और पाचन और शमन के लिए, पंचम काल यानी निशी रात्रि में देते हैं, लेखन ब्रीहण पाचन शमन और ऊर्जत्रुगत विकार में। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल अकेला पूछता है कि लेखन के लिए औषध कब लेनी है तो दो आंसर टिक होंगे यानी प्रथम काल और पंचम काल। अगर वो लिख के दे कि वमन विरेचन और लेखन के लिए तो पहला टिक होगा, अगर बोले लेखन के लिए और ब्रीहण के लिए तो पंचम टिक होगा। ठीक है, अकेला पूछे तो फर्स्ट एंड फिफ्थ दोनों होंगे टिक। फिर आता है रस में क्या होते हैं, हमारे पांच चीजें होती हैं किसी भी सॉरी द्रव्य में पांच चीजें होती हैं, कौन कौन सी, रस गुण वीर्य विपाक और शक्ति।
ठीक है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं रस। रस के बारे में बोला है मधुर अमल पटु। पटु इन्होंने बोला है लवण को, मधुर अमल पटु कटु तिक्त कषाय, और ये षड रस हो गए, ठीक है। सब मतलब अनेक प्रकार के द्रव्य में ये छह रस ही होते हैं। फिर आते हैं रस का उत्पत्ति क्रम। हम जो चरक सुश्रुत के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय का, मैं ये हमने बनाई थी ट्रिक, आपको जैसे याद करना हो कर सकते हैं। पर पीजे पा यानी पीजे पीजे पा एजे वा वैक वी ए के वैक पीवी। पीजे मतलब पृथ्वी और जल है, पृथ्वी और अग्नि, और अग्नि जल वायु अग्नि, और ए के का मतलब यहाँ पे आकाश है, वायु आकाश वायु सॉरी पृथ्वी और वायु। फिर आते हैं आचार्य शारंगधर ने डिटो यही बताया, लेकिन जो कटु और तिक्त का है वो इंटरचेंज कर दिया, मतलब वैक को इन्होंने ऊपर लिखा है और वी ए को इन्होंने तिक्त में लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम जो महाभूत होते हैं उनके कौन कौन से गुण है। तो जो पृथ्वी है उसका होता है गुरु गुण, भारी होती है। जल का होता है स्निग्ध गुण। अग्नि होती है तीक्ष्ण। वायु होती है रुक्ष। और आकाश होता है लघु। फिर उसके बाद आता है वीर्य। वीर्य जो होते हैं दो होते हैं, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। जो आचार्य चरक है उन्होंने द्विविध वीर्यवाद भी दिया और अष्टविध वीर्यवाद भी दिया, ठीक है। निमि ने 15 वीर्य बताए हैं। फिर उसके बाद आता है विपाक। विपाक क्या होता है, त्रिधा विपाको द्रव्य से। द्रव्य का जो विपाक होता है वो तीन प्रकार का, कौन सा, स्वादु अम्ल और कटु। इन्होंने बोला जो स्वादु है यानी मिष्ट और पटु यानी लवण, यानी मधुर और लवण का होता है मधुर विपाक, अम्ल का अम्ल होता है, कटु तिक्त कषाय का कटु होता है। फिर बोलते हैं जो मधुर विपाक है उससे कफ बढ़ता है, अम्ल विपाक से पित्त बढ़ता है, और जो कटु विपाक है उससे वायु बढ़ती है, ये हमें पता है। फिर विपाक जो पराशर है उन्होंने भी तीन बोले हैं, वही मधुर कटु और अमल बोले हैं। बोलती लेकिन इनका बोलने का क्या स्टाइल है कि अमल का अमल होता है, कटु का कटु, बाकी जितने भी रस हैं उन सबका मधुर होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम प्रभाव। प्रभाव क्या बोले हैं कि धात्री लकुचस्य रसादि भी। जो धात्री है यानी आंवला है और लकुच है, ठीक है, बढ़हल है, जो ये दोनों आपस में रस आदि वीर्य विपाक इनका सेम होता है, लेकिन आंवला जो होता है वो क्या करता है, तीनों दोषों का नाश करने वाला होता है, तीनों दोषों का नाश करता है, लेकिन जो बढ़हल लकुच है वो तीनों दोषों को करने वाला होता है। तो ये अपने प्रभाव से काम करते हैं दोनों, ठीक है। फिर बोला है जो सहदेवी है, सहदेवी की जो जटा है उसको सिरोबद्धा, सिर पे धारण करने मात्र से वो ज्वर को ठीक कर देती है। कैसे, ना तो क्योंकि हमने उसका सेवन किया तो रस वीर्य विपाक काम नहीं किया, तो प्रभाव से ही काम करती है। तो प्रभाव के इन्होंने दो एग्जांपल दिए हैं, धात्री और लकुच का, और सहदेवी का, कि सिर पे बांधने से ही ज्वर ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद बोला है इन्होंने दो दो राशि से छह ऋतुओं का वर्णन किया। तो राशि के अकॉर्डिंग ऋतुओं का वर्णन सर्वप्रथम आचार्य जो शारंगधर है उनकी देन है, ठीक है। तो इन्होंने जो ऋतुएं बताई हैं वो कौन सी बताई हैं, बसंत ग्रीष्म प्रावरट वर्षा शरद हेमंत, ठीक है। और इन्होंने बोला है बसंत, ये याद करने के लिए आप कैसे लिख सकते हो, बसंत में कुंभ मनाओ, मनाना कुंभ मनाना यानी कुंभ मीन। ग्रीष्म में मेघ वर्षे, मेघ मतलब मेष और वर्षे मतलब वृष। प्रावरट में मिथुन कड़के मतलब मिथुन और कर्क। वर्षा सिंह की कन्या और शरद ने तोला वृश्चिक को, और हेमंत का है धम यानी धनु और मकर, ठीक है, ये आप याद कर सकते हो। फिर उसके बाद है जो इन्होंने दोषों का संचय प्रकोप और प्रशमन बोला है, वात पित्त कफ का। इन्होंने ऋतुओं के अकॉर्डिंग बोला, देखो आप समझो इसको, जैसे वात है, वात का जो संचय होगा वो ग्रीष्म ऋतु में होता है, ये सभी आचार्य ऐसा बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म से स्टार्ट हुए। तो प्रकोप प्रावरट में हो गया, इन्होंने एक ऋतु बीच में छोड़ दी, वर्षा छोड़ दी, तो प्रशमन शरद में हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग। इसी तरह जो पित्त है उसका जो संचय होगा वो वर्षा ऋतु में होता है, वर्षा में संचय हुआ, शरद में प्रकोपित हुआ पित्त, और हेमंत को छोड़ के वसंत में इसका प्रशमन किया है। फिर आता है कफ। कफ का जो है वो हेमंत में संचय हो रहा है, बसंत में प्रकोप, और प्रावरत में क्या हो रहा है, इसका शमन हो रहा है। फिर आता है यम दृष्टा। इन्होंने बताया ये शारंगधर की देन है यम दृष्टा, ये 16 दिन का होता है। क्या बताया कि जो कार्तिक का महीना होता है उसके अंतिम 8 दिन, और जो आने वाला है कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष आता है, तो मार्गशीर्ष के पहले 8 दिन को यानी ये 16 दिन हो गए यम दृष्टा बोला है, और
स्वल्प भुक्तो ही जीवेति, जो इस टाइम में अल्प खाना खाता है ना वही व्यक्ति सुखी रहता है, इन्होंने ऐसा बोला यम दृष्टा। और वाग्भट ने जो है वो ऋतु संधि का वर्णन किया जो 14 दिन की होती है, 7 दिन जो जारी है ऋतु उसके, और 7 दिन जो आने वाली ऋतु है उसके, 14 दिन की ऋतु संधि बताइए। तो ये हो गया हमारा थर्ड चैप्टर। थैंक यू।